दोस्तों यकीनन आप लोग तो सुना ही होगा दुबई के आर्टिफिशियल आइलैंड पाम जुमरा के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा सुना है आर्टिफिशियल आइलैंड पर कोई एयरपोर्ट भी है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एयरपोर्ट के बारे में जो आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना है, कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आइलैंड जापान के ओसाका सिटी के पास ओसाका बे में बनाया। जेंटी बॉल की वीडियोस में आप सबका फिर से स्वागत है। जापान दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला देशों में से एक है, जहां 12 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं। जापान के पॉपुलेशन इंग्लैंड से 2 गुना है। हालांकि जापान इंग्लैंड से बड़ा है, लेकिन इसका 75% हिस्सा पहाड़ी है, जिसमें से 50% 45 डिग्री ढलान वाला है। इस हिस्सों में कोई रह तो नहीं सकते, तो हर कोई तटीय इलाकों शहरों में रहने के लिए मजबूर है। आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि जापान के पास कोई अवेलेबल जगह नहीं है। जापान में 24 घंटे चलने वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना था। जब ये फैसला किया गया कि जापान को 24 घंटे चलने वाला अपना पहला एयरपोर्ट बनाना चाहिए, तो इंजीनियर्स के आगे एक अनोखी चुनौती खड़ी हो गई। क्योंकि जापान के पास एयरपोर्ट बनाने के लिए जगह नहीं थे। तकरीबन जापान की सारी जगह घनी आबादी वाली थी और बाकी जगहों में थी इंडस्ट्रीज, तो एयरपोर्ट कहाँ पर बनाए? और ये एयरपोर्ट ओसाका के आसपास बनाना था। तब ये फैसला किया कि ओसाका बे में आर्टिफिशियल आइलैंड द्वारा एक एयरपोर्ट बनाया जाए। समुद्र तट से 5 किलोमीटर दूरी में आइलैंड बनाया और 20 मीटर से भी ज्यादा गहरा था। ओसाका बे में द्वीप बनाना मतलब था इस धरती के सबसे मुश्किल मौसम में से एक का सामना करना, जहां ये दिन तूफानी हवाएं चलती है। तूफानी हवाओं का अधिकतम रफ्तार 50 मीटर प्रति सेकंड तक होती है। बड़ी तूफान से बड़ी लहरें बनती है जो 3 मीटर तक ऊंची होती है, और भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। कांसाई एयरपोर्ट आइलैंड इस धरती पर इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड है, और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हर इंजीनियर्स और हर इंसान को यकीन है कि हमने नामुमकिन कामों को अंजाम दिया। ओसाका बे की गहराई से पूरे द्वीप को खड़ा करने की प्लानिंग और उसे बनाने में पूरे 20 साल लगे। इस एयरपोर्ट पर एक एयरक्राफ्ट स्पोर्ट्स है। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1994 में एक रनवे के साथ खोला गया था और 2007 में दूसरा रनवे बनाया गया। एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 3,500 मीटर है और इसे बनाने में $20 बिलियन का खर्चा हुआ। कांसाई एयरपोर्ट आइलैंड पर उनकी आकार में 1.7 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग है। द्वीप पर सीमित जगह होने की वजह से वहाँ बस एक ही बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने लायक जगह थी। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया के जिसके अंदर एक आधुनिक एयरपोर्ट के सारे जरूरी सहूलियत समा सके। इसमें 41 गेट है। यहाँ हर साल लाखों यात्री आते हैं और ये जापान के 24 घंटे चलने वाला एयरपोर्ट है। यहाँ 24 घंटे हर 4 मिनट में विमान उतरते हैं और उड़ान भरते हैं। यहाँ हर साल लाखों मुसाफिर आते हैं और ये जापान के एयर टर्मिनल से 25 देशों को जोड़ता है। ये आइलैंड कम्प्लीट होने के बाद ओसाका बे इलाके में एक भूकंप आया था, जिसमें 6,500 लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, लेकिन इस आइलैंड का कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। तब से कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 लाख विमान और 30 करोड़ यात्रियों का आवागमन हो चुका है।